तो डाइसेक्राइड ऐसे मॉलिक्यूल को कहते हैं हम जिसमें दो मोनोसेक्राइड के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। जिसमें दो मोनोसेक्राइड के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये अब हम क्या देख रहे हैं, दो मोनोसेक्राइड के मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं, तो ये जिस बॉन्ड के थ्रू बंधे हुए होंगे, ये दोनों मोनोसेक्राइड जो बॉन्ड बना हुआ होता है इन दोनों के बीच में, उसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। क्योंकि इसमें दोनों दो मोनोसेक्राइड के मॉलिक्यूल हैं, मतलब वो किसी ना किसी चीज़ से जुड़े हुए होंगे, तो जिस बॉन्ड के थ्रू वो जुड़े हुए होते हैं उस बॉन्ड को हम कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो दो मोनोसेक्राइड के बीच में यहाँ जो बॉन्ड है वो है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। जो मोनोसेक्राइड होते हैं ये जनरली दो तरह के हैं, एक है आपका रिड्यूसिंग शुगर और दूसरा है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो जो डाइसेक्राइड है उसमें रिड्यूस होने की प्रॉपर्टी है। रिड्यूस होने की प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि वो आयंस जो हैं वो चेंज हो जाते हैं, अपना आयंस को चेंज कर देते हैं। जैसे जो क्यूप्रिक आयन होता है वो क्यूप्रस आयन में चेंज हो जाता है जब हम उसको कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालते हैं। तो इस तरीके से जो डाइसेक्राइड है उनमें रिड्यूस होने की प्रॉपर्टी होती है। तो रिड्यूस होने की प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि इसमें जो एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप प्रेजेंट हैं उनको ये फ्री कर दें। तो ऐसे शुगर जो अपने में से कीटोन या फिर एल्डिहाइड ग्रुप को फ्री करते हैं। तो ऐसे शुगर जो एल्डिहाइड ग्रुप को या फिर कीटोन ग्रुप को फ्री कर देते हैं जब किसी सॉल्यूशन में जाते हैं, कोई केमिकल रिएक्शन देते हैं, तो उनमें से ये दोनों ग्रुप फ्री हो जाते हैं और इसकी वजह से केमिकल रिएक्शंस मिलता है। तो ऐसे ग्रुप को हम क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग शुगर कहेंगे। जैसे माल्टोज और लैक्टोज ये एग्जांपल हैं रिड्यूसिंग शुगर के, ये रिड्यूस हो जाते हैं। जबकि जो सुक्रोज होता है वो एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, यहाँ से एल्डिहाइड ग्रुप या फिर कीटोन ग्रुप फ्री नहीं होता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहेंगे। तो आइए हम एक एक करके स्ट्रक्चर पे ध्यान देते हैं कि किस तरीके से इनका स्ट्रक्चर है और किस तरीके से ये अरेंज्ड हैं। तो जो माल्टोज होता है ये दो मॉलिक्यूल ग्लूकोज से मिलकर बना हुआ होता है। दो मॉलिक्यूल ग्लूकोज से मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ पे जो नंबरिंग है इस तरीके से नंबरिंग है। यहाँ पर जो बॉन्ड बनता है, जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है, वो फर्स्ट नंबर के कार्बन पर जो अटैच्ड है हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसके बीच में, और जो सेकंड ग्लूकोज के फोर्थ नंबर के कार्बन पर जो अटैच्ड है यहाँ पर, मतलब ये जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है वो इस जगह पर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जो हमारे को मॉलिक्यूल मिलेगा वो कौन सा मॉलिक्यूल होगा, बाकी सारे ग्रुप एज इट इज रहेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके का अरेंजमेंट होगा। तो यहाँ पर जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बना वो कौन सा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, ये 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये जो स्ट्रक्चर है ये माल्टोज का है, माल्टोज का स्ट्रक्चर है। माल्टोज के स्ट्रक्चर में जो यहाँ पर अरेंजमेंट है, यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर का कार्बन है पहले ग्लूकोज का, और दूसरे ग्लूकोज का फोर्थ नंबर का कार्बन है, इन दोनों के बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इसलिए ये क्या है, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। इसी तरह हम सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं सुक्रोज। सुक्रोज के बारे में हमें पता है कि ये बहुत सारी चीज़ों में प्रेजेंट है,
ये बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स में प्रेजेंट होता है, वेजिटेबल्स में प्रेजेंट होता है, फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है। तो सुक्रोज जो होता है स्वीट होता है टेस्ट में, जैसे शुगर केन में, हम सबको पता है कि शुगर केन में सुक्रोज प्रेजेंट होता है, कैरेट में होता है, हनी में होता है, पाइनएप्पल में होता है, इसी तरह बहुत सारे वेजिटेबल्स में या फ्रूट्स में ये प्रेजेंट होता है, लेकिन ये ह्यूमन बॉडी में एग्जिस्ट नहीं करता है। सुक्रोज किसी भी सुक्रोज जो है वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट नहीं होता है, केवल प्लांट में ही ये प्रेजेंट होता है, इसके अलग अलग पार्ट्स में प्रेजेंट होता है, ह्यूमन बॉडी के अंदर ये सिंथेसाइज नहीं होता है। तो जो सुक्रोज हम डाइट में लेते हैं वही सुक्रोज हमारी बॉडी में जाता है। ये जो है स्पेसिफिक रोटेशन, जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो स्पेसिफिक रोटेशन इसमें एक होता है और वो उसको इन्वर्ट कर देता है, उल्टा कर देता है, इस वजह से इसको हम इन्वर्ट शुगर के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें हाइड्रोलिसिस के समय स्पेसिफिक रोटेशन को इन्वर्ट कर देता है, इसी वजह से इन्वर्ट शुगर के नाम से जाना जाता है। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। जो सुक्रोज होता है वो एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज और एक मॉलिक्यूल फ्रक्टोज से मिलकर बना हुआ होता है। तो यहाँ पर जो बॉन्ड बन रहा है वो इसके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पर हम नंबरिंग देखते हैं इसका, तो ग्लूकोज का देख चुके हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। यहाँ पे जो नंबरिंग है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो आप देखिए कि यहाँ पे जो फ्रक्टोज है इसके सेकंड नंबर के कार्बन से कार्बन और जो ग्लूकोज है उसके फर्स्ट नंबर के कार्बन के बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। मतलब यहाँ पर जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बन रहा है वो क्या क्या है, 1, 2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो इस तरीके से ये सुक्रोज का फॉर्मेशन